हाय गाइस, अब सोच रहा हूँ मैं ऊपर चढ़ के क्यों खड़ा हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मंदिर है। हर साल जो है कलर करते हैं नवरात्रि में पूजा करने से पहले, तो बस उसे मैं लगा हूँ फिलहाल। तो मैं कॉलोनी से जो है माता जी बिठाना है, माता जी की प्रतिमा को लेकर आ गए हैं अभी। यार अभी ऊपर ऊपर का तो निपटा दिया है, छत हो गई है, अब ये वॉल बाकी है जिसके लिए सेम कलर कर रहे हैं जो है ऑलरेडी उसी पे। यार ऑलमोस्ट हो गया है, मैच करके देख लेते हैं। कोई डिफरेंस लग रहा है तो वॉल के लिए अभी कलर कर दिया है रेडी, देखते कैसा आता है। मैच तो करके देख लिया है, लगभग सेम दिख रहा है, सूखने पे कैसा आता है। फिर जो भी आएगा पूरे रूम में एक ही कलर रहेगा, पीछे जैसा दिख रहा है एसिटीज रखना है। एक आध घंटा और लगना है बस, फिर सोएंगे बस। फाइनली रूम में कलर हो गया है, बस आखिरी दीवार बाकी है, पीछे वाली बाकी कलर हो गया है। अभी पीछे सूख रहा है, अभी गीला है, सूख जाएगा तो फिर और कलर आ जाएगा इसमें जैसा इधर दिख रहा है। बस अब 2 बज गई है तो बस नहाऊंगा और नहा के सोना है, फिर नाइट शिफ्ट करनी है। 7 बजे तक उठ जाऊंगा, 2 बज रही, 5 घंटे की नींद बहुत है। वीडियो अब तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे डेली ब्लॉग। ऐसे ही बचा था, पापा कर रहे हैं इसको कंप्लीट अभी फिलहाल। देखो ये कॉर्नर कैसा लग रहा है, ऐसा ये भी लगेगा इधर से पूरा। चलो मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि वेदू ने सावी को मार दिया। क्यों मारा उसको? कहाँ लगा बच्चा? जोर से ताता हुआ? जोर से हुआ? काई से मारा? वो वीडियो बना दो तेरा, रो मत जल्दी, नहीं तो सब देख लेंगे, सब देख लेंगे। भैया बता, वो देख, देखा? तो बस अभी उठा हूँ, खाना खाया है और हम लोग निकल चले हैं वॉक पे। तो इसको तरह ये हमारा वॉक पार्टनर। हेलो गाइस, डेली हम लोग वॉक पे निकलते हैं, ये हाईवे है और ये सर्विस रोड है साइड में, तो बस डेली हमारा ऐसे ही चलता है, 5-6 किलोमीटर हम रन करते हैं। आज पहला दिन है और आपको पता ही है नवरात्रि है, तो देवास में माता जी की टेकरी है। अभी इतना रश नहीं है, आपको 2 दिन बाद बताऊंगा इस रोड पे। अभी देखो आप अभी क्या है, 2 दिन बाद का देखो। तो ये अभी का रश है, रश क्या नॉर्मल है, फर्स्ट डे है ना, इसलिए यहाँ से इंदौर और उज्जैन दोनों नज़दीक होता है 30 किलोमीटर। तो 2-3 दिन बाद फिर आसपास की पब्लिक आना शुरू होती है। ये ऑलमोस्ट हम सिटी में पहुँच गए, अब यहाँ पर 9 दिन तो कंटिन्यू भंडारा चलेगा। ये देवास का सयाजी द्वार दिख रहा है, यहाँ आरती हो रही है, यहाँ आपको डेली भंडारा मिलेगा, अलग अलग चीज़ें चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहता, डेली चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ आगे वाला जो है, यहाँ का हमेशा फिक्स है, यहाँ चाय मिलती है पूरे 9 दिन। वो देखो, चलो आज हम भी टेस्ट कर लेंगे। सभी माता रानी के भक्तों से निवेदन है कि संस्था अनंता की तरफ से माता रानी का भव्य भंडारा रखा गया है, तो कृपया सभी से निवेदन है। अभी हम लोग इस साइड से आए हैं और ये रास्ता जा रहा सीधा वो टेकरी दिख रही देवास माता जी के ऊपर,
जूम करके बताता हूँ। ये बस यहाँ से आधा किलोमीटर है बस, मेरे घर से 3.5 किलोमीटर बची, तो हम ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आ गए हैं। हम मार्केट में जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ माता जी बिठाइए तो वहाँ का देखेंगे। ये देवास का खेड़ापति मंदिर, और रात्रि में मंदिर को कितना प्यारा सजाया है। चलता फिरता भंडारा पूरे देवास में घूमेगा। ये क्या है, खिचड़ी और क्या? मेरा तो दूसरा नहीं ले लेगा। पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 3 साल गर्भ किए हैं, जो कि देवास के बेस्ट गर्भ होते हैं यहाँ पर। ये गोपा वाली माता जी है, ऐसा अंदर से पूरा जाते हैं, और ये पीछे मंदिर है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह के गर्भ अगर आपको देखना पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को। इस नवरात्रि में होने वाले हर जगह के गर्भ के वीडियो मैं यहाँ पर डालूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं क्या कर दो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।